नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। पीपलखूट में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों के विरोध में पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों को आमजन के खिलाफ दमनकारी बताया। जहाजपुर में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या मामले में ब्लॉक के डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपकरण अधिकारी को ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बिना जांच के धारा 320 में मुकदमा दर्ज करने और निराधार आरोप लगाने से आज लालसोट की महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए निधन पर पूरा चिकित्सा समुदाय स्तब्ध है। ब्लॉक जाजपुर के समस्त चिकित्सकों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आहोर उपखंड मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की घोषणा को लेकर अभिभाषक संघ की ओर से धन्यवाद समारोह रखा गया, जिसमें अभिभाषक संघ ने विधायक छगन सिंह राजपुरोहित का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं अभिभाषक संघ ने मुंसिफ कोर्ट को अविलंब खुलवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करवाने की भी मांग की है। अजमेर के पनीग्राम चौक पर एक चोर ने ऑटो चालक पर ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में ऑटो चालक घायल हो गया, जिसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उपचार देने के बाद छुट्टी दे दी गई। बता दें कि ऑटो चालक की गर्दन पर 6 टाके आए हैं और मामले में ऑटो चालक ने दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। नहीं, मारा क्यों ब्लेड? वही मोबाइल छीनने आया था वो। अच्छा, मोबाइल छीनने पाया तो मैंने मारा उसको 2-3 फेट। मार मुड़ा गया वो, फिर पीछे से आया बाद में थोड़ी देर बाद, फिर आके ब्लेड मारने का भाग गया। पुलिस थाना परिसर पादुकला में उपकरण अधिकारी रिया बड़ी गौरी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में अवैध बजरी खनन और निर्गमन की रोकथाम हेतु SIT की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खनिज विभाग द्वारा स्थापित चेक पोस्ट के नियमित भ्रमण, खातेदारी भूमि में अवैध खनन और क्षेत्र में गश्त कर अवैध बजरी खनन की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश दिए गए। हिंडोली क्षेत्र के रघुनाथपुरा के सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य और अध्यापिका के बहसबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अध्यापिका राधा कुमारी और प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार के बीच जमकर बहसबाजी होती नजर आई है। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए जब मीडियाकर्मी विद्यालय पहुंचे, तब कर्मचारियों और बच्चों और PO शिवराज मीणा से बात की तो उन्होंने वीडियो को सही बताया, लेकिन इसके साथ ही कहा कि वीडियो मानवीय भूल से डाला गया है, विवाद जैसी कोई बात नहीं थी। विद्यालय का एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या था पूरा मामला सर? सर वो क्या था कि छोटी सी बात को लेकर के कोई बच्चों के क्लास के मामले में मैडम जी और मेरे बीच में छोटी मोटी बात हो गई, लेकिन उसमें किसी प्रकार का गंभीर मामला नहीं था। कल वीडियो वायरल हुआ था आपके विद्यालय का, तो क्या था पूरा मामला? जो भी मामला था वो उसमें से वीडियो वायरल हो गई और मैं इस मैटर को यहीं पे सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ। HM सर, हमारे PO सर, ये सब यही मौजूद है और हमारा जो भी बात था वो सॉर्ट आउट। आज वहाँ के जो वरिष्ठ अध्यापक जी घनश्याम जी जीनगर और राधा मैडम जो एक ही कमरे में बच्चों की कक्षाएं ले रहे थे, तो हेड मास्टर जी ने उनको टोका और इस मामले में उनकी थोड़ी काश नहीं हो गई थी। मेरे पास जो सूचना आई उसके बाद मैं तुरंत वहाँ रघुनाथपुरा पहुँचा और दोनों को आपस में उनको बुलाया, पूरे स्टाफ की मीटिंग ली और आपस में उनका समझौता करवा दिया। धौलपुर के स्थानीय रेस्टोरेंट पर संभागीय आयुक्त PC बैरवाल का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करीब 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा से किया गया। इस दौरान पुष्प वर्षा करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ बैरवाल को मंच तक लाया गया। कार्यक्रम संयोजक शालिनी शर्मा ने बताया कि PC बैरवाल ने कलेक्टर रहते हुए भी जनता की सेवाएं अपने मधुर व्यवहार और सहनशील वाणी से की है, वहीं जिसकी वजह से आज सैकड़ों की संख्या में इतने लोग उनके स्वागत और सम्मान में यहाँ पहुंचे हैं। रायला की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं बोर्ड परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा अंग्रेजी के पेपर से शुरू हुई। वही परीक्षार्थी जब परीक्षा देने पहुंचे तो परीक्षा से पहले जो घबराहट बच्चों के मन में थी वह अंग्रेजी के आसान पेपर ने पल भर में ही दूर कर दी।
आज कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र से प्रारंभ हुई। इस केंद्र पर कुल 372 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनकी 18 कमरों में हमने व्यवस्था की है। सभी विद्यार्थियों को विधिवत चेकिंग करके और फिर कमरों में बिठाया गया। खबर अराई से है, जहां स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार हनुमान प्रसाद रहे। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्र छात्राओं ने प्रस्तुत किए। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड अजमेर द्वारा सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए बनाए गए केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पादुकला का उपखंड अधिकारी तहसीलदार रियाबड़ी थानाधिकारी पादुकला ने निरीक्षण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।